भैया बनारस में आपका स्वागत है। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, इट्स राहुल साहब व्लॉग। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं फुल कंफर्टेबल आउटफिट पे, और हम लोग जा रहे हैं ट्रिप पे, फैमिली ट्रिप, जो कि हम मम्मी और बस दीदी जा रहे हैं, तीन लोग जा रहे हैं, वो अभी हम लोग नहीं बताएंगे, इट्स अ सरप्राइज। तो चलिए कहाँ जाएंगे वो नहीं बताएंगे, वैसे टाइटल देके पता चल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, यहाँ पे सूटकेस पैक हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा रेडी हो चुका है, और ये भी लेके जाएंगे। तो लेट्स गो, और चलिए मिलते हैं रास्ते पे। तो गाइस हम लोग यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और जस्ट निकलने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सूटकेस वगैरह सब बाहर आ चुका है, और यहाँ पे भी निकलने वाला है, मम्मी जी भी यहीं है। तो चलिए सबसे पहले जुगबनी पहुँचते हैं, वहाँ से हम लोग को दरभंगा जाना है, और वहाँ से ट्रेन है। तो कहाँ का ट्रेन है, कहाँ जा रहे हैं सब पता चलेगा। लेट्स गो, पहुँच चुके हैं खाना खाने के लिए और दरभंगा पहुँच चुके हैं। तो चलिए वही आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा सुल्टा है और यही लेके आया है यहाँ खाना खाने। खाना अच्छा नहीं हुआ तो इसी को मारेंगे लेकिन खाना अच्छा तो होगा। तो अब देखते हैं कितना वक्त लगता है, टाइम लगता है, खाना आता है खा के फिर मिलते हैं। खाना आ चुका है और देख के तो अच्छा ही लग रहा है, बच गया मेरा सुल्टा भाई, सुल्टा भाई नहीं। तो हम लोग का खाना वाना हो चुका है और हम लोग अब जाएंगे रेलवे स्टेशन, क्योंकि हम लोग का ट्रेन है 7 बजे। तो लेट्स गो, टाइम लगभग हो चुका है 6:30, तो फटाफट बी क्विक, तो चलते हैं। ट्रेन का टाइम लगभग हो चुका है और प्लेटफॉर्म नंबर 5 में आएगा हम लोग का ट्रेन। हमसे सामान ढोवाया जा रहा तो अपना आदमी का काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो चलिए हम लोग B1 पे आएगा, तो अभी जा ही रहे हैं, अभी जा ही रहे हैं, लेट्स गो। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। This is our ट्रेन आ चुका है और अभी भी हम लोग चल रहे हैं, बताइए। और मम्मी लोग को तो बहुत ही कंफर्टेबल है, बैग है नहीं, ये अपना सुल्टा लोग आ चुके हैं हेल्प करने, तो बहुत बहुत थैंक यू ये लोग को, ये वीडियो देखेगा तो क्या ही बोले तो हम लोग का ट्रेन का सीट भी मिल चुका है और जा रहे हैं ये लोग, तो जा रहे हैं ये लोग, तो मिलते हैं। तो अब कब मिलेंगे पता नहीं, अगला ट्रिप साथ में होगा, अगला ट्रिप साथ में, ट्रेन भी बच गया, चलिए बाय 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 बाय। ये ट्रेन चलने लगी, दूध फ्रूटी, लेट्स गो। तो गाइस ट्रेन चल चुकी है और मेरा दीदी को देख रहे हैं पूरा फ्लिक्स करते हुए, और फर्स्ट टाइम बैठी हुई है ट्रेन में तो मम्मी का फास्टिंग है, तो मम्मी ताबड़तोड़ वो क्या राबड़ी खा रही है। तो गाइस इंडिया की सबसे पुराने शहर हम लोग बनारस में है, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड वाराणसी, और हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ भी स्नैप बन रहा है। तो लेट्स गो, अब चलते होटल की तरफ, चलिए मिलते आगे होटल पहुंच के या रास्ते में, तो लेट्स एंजॉय। हम लोग होटल रूम पे है और अभी फ़िलहाल के लिए नॉन एसी हम लोग को दिया गया है, क्योंकि चेक इन टाइम 10 बजे है और हम लोग मंदिर जा रहे हैं सबसे सुबह सुबह उठ के, टाइमिंग भी सही है। यहाँ पे मम्मी दीदी लोग भी रेडी ऑलरेडी हो चुकी है और हम लोग भी नॉर्मल हाफ टी शर्ट बनारस स्टाइल लगा चुके हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं मंदिर की तरफ, बने रहिए वीडियो पे, लेट्स गो। ये देखिए बनारस की गलियों में, और हम लोग का दर्शन तो हो चुका है, वीडियो बनाने का समय नहीं मिला, तो दर्शन काफ़ी अच्छा से हुआ, मज़ा आ गया। और अभी हम लोग जा रहे होटल की तरफ, यू कैन सी। अभी हम लोग कन्फ्यूज़ होके बहुत आगे चले गए थे, तो फिर से हम लोग आ चुके हैं, ये देखिए कौन सी गली में है,
बनारस की गली में हम लोग का होटल रूम, और आप लोग देख सकते हैं दिस इज आवर होटल वाराणसी ड्रीम गेस्ट हाउस। तो चलिए हो चुका है यस। तो हम लोग नाश्ता खाने के लिए चल रहे आगे, और भीड़ काफ़ी है यहाँ पे, काफ़ी चीज़ मिल रही है। पहले चलिए कुछ खाते हैं। यहाँ भी कचौड़ी तो कचौड़ी मिल रहा है, खाना है क्या? थोड़ा आगे चल, आगे चलते हैं थोड़ा। तो नाश्ता वास्ता हो गया और अब हो रहा चाय, तो चाय पीते हैं और निकलते हैं होटल की तरफ, जाके रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं बनारस। हम लोग के होटल के बाहर से ही लाइन शुरू होता है और ये लाइन काफ़ी बढ़ चुका है, हम लोग सही टाइम पे दर्शन करके आ चुके हैं। तो चलिए अब। तो गाइस हम लोग रूम से निकल चुके हैं, होटल रूम से, और हम लोग अभी जा रहे हैं लंच करने। तो चलिए देखते हैं होटल किधर है, नहीं है, हम लोग पता नहीं कौन सी जगह है, लेकिन है। तो लेट्स गो, वी आर हियर फॉर लंच। वाराणसी की गलियों में, वाराणसी की गलियों में देख सकते हैं बैकग्राउंड, और कब आएगा देखते हैं, लेट्स सी। अभी वेट करने के बाद आ चुका है, ये देख सकते हैं कितना प्यारा है। तो सॉर्ट करते हैं खा के, हम लोग उसके बाद जाएंगे एक्सप्लोर करने। तो लेट्स गो, खा के मिलते हैं। तो अभी हम लोग मार्केट पे घूम रहे हैं, मतलब जा रहे हैं घाट के ओर, और चलिए मम्मी लोगों को कुछ पसंद आ गया, मम्मी लोग देखेंगी यहाँ पे कुछ कुछ। बारगेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करेगा क्या है नहीं है। और इधर घाट है, तो हम लोग बढ़ते हैं घाट की ओर, चलिए लेट्स गो, मज़ा आएगा गाइस। लोग काफ़ी आगे चल के तो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक घाट आया नहीं है, और कितना चलना पड़ेगा हमको पता नहीं, बस चलते जा रहे हैं। और गर्मी, वाराणसी की गर्मी कुछ कह नहीं सकते, 40 डिग्री सेल्सियस या 41 डिग्री सेल्सियस चल रहा अभी। तो भैया बनारस में आपका स्वागत है, और घाट के काफ़ी करीब आते हुए हम लोग चलते चलते हालत तो ख़राब हो चुका है, लेकिन एक्सप्लोर करिए भाई। यहाँ पे देखिए बोटिंग वोटिंग अभी नहीं करेंगे। ओह माय गॉड, यहाँ पे आने के बाद का जो एनर्जी है, माय गॉड नज़ारा देखिए। यहाँ पे एकदम पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ इस प्रकार है। और अभी तो हम लोग जस्ट देखने ही आए थे, अभी हम लोग चलेंगे मंदिर, काल भैरव की मंदिर, और वहाँ से आएंगे, फिर शाम में बोटिंग वगैरह करते हैं। टोटल 80 घाट से या 88 घाट से, तो पूरा कवर भी करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग चलते हैं मंदिर की ओर, मम्मी लोग यहाँ इंतज़ार कर रही है, लेट्स गो चलते हैं। चलते चलते किधर है मंदिर, चलते चलते हालत ख़राब हो गया। और यहाँ देख सकते हैं पशुपतिनाथ का मंदिर, ये कॉरिडोर है, और पशुपतिनाथ मेन वाला जो है वहाँ ऑलरेडी हम लोग पहुँच के आ चुके हैं। ये देखिए भवन है, ये काफ़ी थक गए हैं, मम्मी और दीदी नीचे ही है, तो चलिए मंदिर दर्शन करते हैं। घूमते टहलते कहाँ से कहाँ पहुँच गए पता नहीं, कॉरिडोर है कोई, और यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का फ्लैग बना हुआ है, और ये यहाँ पे खाने का ऑप्शन भी है, ये कोई भवन है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, और
शायद होटल की तरफ चलेंगे, देखिए क्या होता है। लोग रूम में आ चुके थे और रेस्ट किए, सो भी गए थे, और हम लोग का रूम भी चेंज हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं। फिर हम लोग रेडी होके और अब जा रहे बोटिंग करने, आरती देखने और स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने। तो बने रहिए वीडियो में, लेट्स। तो काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखें, यहाँ से स्पष्ट मंदिर का पूरा अच्छा खासा व्यू है और हम लोग यहाँ पे हैं। तो चलिए फोटो शूट शूट कराते हैं और निकलते इधर से, बोटिंग भी करना है। लेकिन जो यहाँ से व्यू है ना, बता नहीं सकते। और ये देख सकते दीदी को काफ़ी थकी हुई, मम्मी को। तो चलिए फोटो शूट वगैरह कराते हैं और निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। ये देखिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जस्ट ये वो घाट है, नाम भूल गया, लेकिन यहाँ पे 24 आवर्स चीता जलती रहती है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे मस्त बैठे हुए हैं। तो अब जाएंगे बोटिंग करने, ये देख सकते हैं आप लोग। शायद मणिकर्णिका घाट या दशाश्वमेध घाट, क्या बोलते हैं वो घाट। तो चलिए आगे मिलते हैं। बोट बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है, जितना बार्गेन कर सकते हो उतना बार्गेन कीजिए कीजिए। अब ये शायद बड़ा बोट, ये बोट है क्या? बोला घास लगल है, ये लगल है। अच्छा पीछे वाला, पीछे वाला है ना, ले बेटा। इट्स डन, बोट का मजा लेते हैं। देख सकते हैं सारा घाट है यहाँ पे, और हम लोग का फोटो शूट वगैरह चल रहा था। इस आवाज को इग्नोर कीजिए, लेकिन पूरा 80 घाट हम लोग घूम चुके हैं। और जहाँ आरती होता है वहाँ पे काफी भीड़ अभी से ही लग चुका है, तो हम लोग भी जाके अपना सीट पकड़ेंगे और आरती एंजॉय करेंगे। काफ़ी अच्छा सा नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। ओ माई गॉड, कुछ कह ही नहीं सकते इसके बारे में। तो चलिए आरती का एंजॉय लेते हैं और काफ़ी एंजॉय। आरती का स्वाद तो भाई बनारस में है। यहाँ देखिए बोट का वो उतरा, यहाँ पे अब आरती होगी, हम लोग चलते उधर। तो लेट्स गो, अब आरती देखने का समय। चलो चलो आरती के लिए हम लोग जगह छेकते हुए, यहाँ पे आरती होगी और मम्मी गई है कुछ लेने, मम्मी भी आ ही रही है। तो बैठते हैं हम लोग, टाइम अभी बाकी है। लक्ष्य क्या होता है, भीड़ हो रहा है यहाँ पे आरती देखने के लिए। इधर देखिए यहाँ तक आदमी है, और पीछे भी हो रहा है, उधर भी आदमी से भरा हुआ है। Thank you.
जो आरती हो रही है। अभी भीड़ जाने लगे हैं क्योंकि मेन कोर्स खत्म हो चुका है। हर हर महादेव। आरती हो चुका है खत्म और यहाँ पे बचपन की कैंडी लच्छी और क्या क्या लेते हैं हम लोग, कुछ लेना पड़ेगा लेकिन। और इसके बाद डिनर करेंगे और होटल रूम, कल सुबह हम लोग को नेक्स्ट जगह निकलना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा लेते हैं। तो अभी शॉपिंग हल्का हुआ है, बचपन की कैंडी और आगे देखते हैं, देख सकते हैं मार्केट। चलिए अपना नेपाल का ही मोमो ट्राई करते हैं नेपाली भाई। तो चलिए कुछ बनारस का बाजार, यही है मेन मार्केट। अभी गली घूमने के बाद हम लोग का होटल नहीं मिल रहा है। अब ये लास्ट टर्न है, यहाँ से लेफ्ट, अगर वहाँ नहीं मिलेगा होटल वाले को कॉल करेंगे और जहाँ रहेंगे वहीं पे आने बोलेंगे। अब यही ऑप्शन ही यही है, क्या ही करें, सब गली एक ही है ये बना क्या बोले। तब हम लोग को होटल नहीं मिला है, अभी भी हम लोग चलते जा रहे हैं और शायद अब मिल जाए लेकिन कंफर्म नहीं है। तो चलिए देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा होटल रूम। थक गए भाई लिटरली, लेट्स गो। फाइनली वी आर इन बनारसी ड्रीम गेस्ट हाउस। बाप रे, कंफ्यूज हो के तो मिल ही नहीं रहा था ये है। चलिए फाइनली रूम पे। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।